ग्वालियर पुलिस पिछले 9 साल से जिसकी तलाश में परेशान हो रही थी, वह छतरपुर की एक मसाला फैक्ट्री में काम करते हुए मिली है। पुलिस गुमशुदा को बरामद कर ग्वालियर ले आई है। महिला ने पुलिस अफसरों को बताया कि पति उसे परेशान करता था, आए दिन पीटता था, जिससे तंग आकर घर छोड़कर चली गई थी। वह मेहनत और मजदूरी कर अपना जीवन यापन कर रही थी, पर पुलिस वापस उसे पकड़कर उसी दुनिया में ले आई है। शहर के बहोड़ापुर इंदिरा नगर निवासी 35 वर्षीय कमलेश पत्नी ओम प्रकाश 9 साल पहले अप्रैल 2013 में अचानक लापता हो गई थी। उसके गायब होने के बाद पति ने बहोड़ापुर थाना में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। मामले की पड़ताल के बाद भी पुलिस महिला का कोई सुराग नहीं लगा पा रही थी। 9 साल से मामला पेंडिंग पड़ा हुआ था। पुलिस के ऊपर लगातार इस मामले का खुलासा करने का दबाव था, जिस पर मामले की जांच एएसआई अभिलाक सिंह, प्रधान आरक्षक धर्मेंद्र तोमर, आरक्षक अरविंद तोमर को दी। गुमशुदा का पता लगाने के लिए पुलिस ने एक बार फिर से पूरी घटना की शुरुआत से जांच की तो पता चला कि गुमशुदा का मायका छतरपुर में है, जिसके बाद पुलिस की एक टीम फिर से महिला के मायके तलाश के लिए पहुंच गई। यहां पहले तो किसी ने कुछ नहीं बताया, लेकिन जब पुलिस जांच कर रही थी तो सुराग मिला कि एक महिला लगातार 9 साल से महिला के मायके के पास ही एक मकान में किराए से रह रही है। वह खुद को शादीशुदा बताती है, लेकिन कभी उसका पति या बच्चे दिखाई नहीं दिए। इसके बाद पुलिस ने उस महिला के बारे में पता किया तो वह एक मसाला फैक्ट्री में काम करने का पता लगा। जिस पर पुलिस मसाला फैक्ट्री पहुंची तो गुमशुदा महिला मसाला कूटते हुए मिल गई। पुलिस ने मसाला फैक्ट्री से महिला को बरामद किया और ग्वालियर ले आई। CSP संदीप मालवीय का कहना है कि 9 साल पहले एक महिला लापता हुई थी, जिसे पुलिस लगातार तलाश कर रही थी। आज वह छतरपुर की एक फैक्ट्री में काम करते हुए मिली है। महिला को बरामद कर कोर्ट में पेश किया जा रहा है। गुमशुदगी दर्ज हुई थी 2014 में, तो उसमें महिला जो गई थी अपने पति से अनबन होने के कारण वो बिना बताए घर से चली गई थी, तो उसे कल दस्तियाब किया गया है स्वयं के घर से कोटेश्वर